हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं रेफरेंसिंग के ऊपर, कि आपको अपने ड्राइंग के रेफरेंस जो है मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन से देखकर ड्रॉ करना चाहिए या आपको उनका प्रिंट आउट निकाल के तब ड्रॉ करना चाहिए। सो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने दोनों ही मेथड्स काफ़ी ज़्यादा ट्राई किए हैं। मैंने काफ़ी सारे ड्रॉइंग्स स्क्रीन में देखकर ड्रॉ किए हैं एंड काफ़ी सारे मैंने ऐसी ड्रॉइंग्स भी किए जो मैंने डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल के उससे ऑब्जर्व करके ड्रॉ किए हैं। सो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा, डायरेक्टली स्क्रीन से देखकर ड्राइंग करना या आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना चाहिए एंड देन ड्रॉ करना चाहिए। एंड अगर हम बात करें दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं। जैसे अगर आप किसी मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन से ड्रॉ करते हैं तो आप उसे जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, जहां पे आपको स्मॉल डिटेल चाहिए आप वहां पे जूम इन करके उसे काफी क्लियरली ड्रॉ कर सकते हैं। बट उसमें दो तीन प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जैसे अगर हम किसी स्क्रीन से ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो शेड्स हैं या जो टोन्स हैं वो हल्के से चेंज नजर आते हैं, एंड वही अगर आप उसका प्रिंट आउट निकाल देंगे तो आपको जो टोन्स हैं या जो शेड्स हैं वो ओरिजिनल मिलते हैं। एंड वन मोर थिंग जो मुझे काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी किसी प्रिंट आउट रेफरेंस इमेज से ड्रॉ करने में, जो कि थी कि आपको बार बार ऊपर नीचे नहीं देखना पड़ता है। वरना अगर आप किसी मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन से देखते हैं तो कभी आपको ऊपर कभी नीचे, बार बार ऊपर नीचे देखते रहना पड़ता है, तो जिससे आपके नेक में काफी ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। बट अगर आप प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो आप उसे साइड में रख सकते हैं अपनी ड्रॉइंग एंड देन उसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो उससे आपके नेक में जो है स्ट्रेन नहीं पड़ता, तो एक ही अच्छी बात है। सो मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ कि मैं अपनी ड्रॉइंग का जो प्रिंट आउट है वो निकालूँ एंड देन उससे ड्रॉ करूँ, क्योंकि ये मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल लगता है एंड मुझे ज्यादा ईजी लगता है इससे। सो अभी तक तो फिलहाल मैं प्रिंट आउट करने के लिए मार्केट से अपनी ड्रॉइंग्स का प्रिंट आउट करके आता था, बट फिलहाल मैंने एक न्यू प्रिंटर खरीद लिया इसी पर्पज से। सो अपने लिए प्रिंटर मैंने रिसेंटली ऑर्डर ही किया था जो आज आ भी चुका है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना जाए एंड कैसे इसको असेंबल करते हैं। सो जल्दी से करते हैं अपने प्रिंटर की अनबॉक्सिंग। अरे कटेगा नो सो फाइनली लेट्स ओपन इट। व्हाट इज दिस? ये रहा मेरा न्यू प्रिंटर। ओके, इसको खोलते हैं। ओके, लेट्स सेट दिस अप। इट कंटेन्स ब्लैक कार्ट्रिज एंड ट्राइकलर कार्ट्रिज, a power cord and a USB cable. So this is my new printer from HP. Okay, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें इंक कहाँ से डाली जाए। Let's read the manuals. Okay, this is the manual. This is black cartridge. This is color, the one. Then, so what I have to do? सो अगर बात करें इस HP प्रिंटर के प्राइस की, तो इस HP प्रिंटर की कॉस्ट मोर देन 5000 है एंड इसमें फोटोकॉपी प्रिंटर एंड स्कैनर तीनों अवेलेबल हैं एंड इससे आप कलर प्रिंट भी निकाल सकते हैं। सो बात करें कॉस्ट पर प्रिंट की, तो आपको एक ब्लैक एंड वाइट पेपर की प्रिंटिंग का कॉस्ट जो है 1 रुपीज के अप्रोक्स आएगा एंड एक कलर प्रिंट आउट निकालने का कॉस्ट 4 रुपीज के अप्रोक्स आएगा। Okay, so here goes my okay. One is gone. Now it's tricolor ink. Hold it like that. And okay. This is done. Close it. So setup is done finally.
सो लाइक आई वॉन्ट टू ड्रॉ दिस इमेज, सो काफ़ी क्लियर है, सो मैं इसे ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आज इसका प्रिंट आउट निकाल देता हूँ. सो मैंने इसे अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लिया है. लेट्स पुट इन सम पेजेस. सो आई एम गोइंग टू प्रिंट इट. सो एज यू कैन सी काफ़ी ब्यूटीफुल सा प्रिंट आउट निकल चुका है. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस नाउ.